हेलो स्टूडेंट्स, आज इस रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक चैप्टर और उसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है अशोका मित्रन के द्वारा और ये है जेमिनी स्टूडियो के बारे में जो मद्रास में स्थित था 1940 के बारे में बात है। अभी वो मद्रास चेन्नई कहलाता है। तो जेमिनी स्टूडियो एक फिल्म शूटिंग की जगह था और उसमें जो लोग थे उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे एसएस वासन, हेड थे वहाँ के। उसके बाद जो अशोका मित्रन हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का क्लिपिंग का कट किया करते थे और फाइल्स वगैरह में मेंटेन किया करते थे। उसके बाद एक कैरेक्टर है सुबू, ये एसएस वासन जो बॉस हैं उनके काफ़ी क्लोज था। जेमिनी स्टूडियो में नंबर टू था ये, बॉस के बाद इसका ही नंबर था, बॉस के काफ़ी क्लोज था। उसके बाद एक ऑफिस बॉय के बारे में बताया गया है। ऑफिस बॉय जो है जो क्राउड प्लेयर्स हुआ करते थे एक फिल्म के अंदर, जो बैकग्राउंड में जो लोग खड़े रहते हैं उनका जो मेकअप किया करता था वो था ऑफिस बॉय। और जेमिनी स्टूडियो में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट थे, जैसे कि मेकअप डिपार्टमेंट था, स्टोरी डिपार्टमेंट था, लीगल एडवाइस के लिए लीगल डिपार्टमेंट था। लीगल एडवाइज़र एक जो था वो बहुत ही अलग प्रकार का व्यक्ति था, दूसरों से अलग दिखाता था। सारे लोग खादी पहनते थे उस समय, लेकिन वो सूट पैंट पहनता था, लेकिन वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति था। और बताया गया है कि एक हीरोइन का जो करियर है वो भी वो लीगल एडवाइज़र बर्बाद कर देता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे। अभी दोस्तों, इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएँ हैं उनको हम शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में समझ लेंगे, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो हम उसको हैंडल कर सकें, हम उसको लिख सकें। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्पेसिफिक अबाउट द जेमिनी स्टूडियोज इन इंडिया। ये जो जेमिनी स्टूडियो था उसके बारे में क्या स्पेशल बातें थीं? तो आंसर रहेगा, द जेमिनी स्टूडियो वॉज सेटअप इन 1940। जेमिनी स्टूडियो सेटअप किया गया था 1940 में इन मद्रास में, अब चेन्नई बोलते हैं उसको, बाय एस एस वासन के द्वारा, द बॉस जो बॉस थे। इट वॉज अ फेमस प्रोडक्शन हाउस, एक फेमस प्रोडक्शन हाउस था विथ 600 मेंबर्स, 600 मेंबर्स के करीब यहाँ थे काम जो करते थे यहाँ पर। इट हैड मेकअप डिपार्टमेंट एंड स्टोरी डिपार्टमेंट, इसमें मेकअप डिपार्टमेंट था, स्टोरी डिपार्टमेंट था। मोस्ट ऑफ द फिल्म शूटिंग वॉज डन इनडोर्स, और उस समय ज़्यादातर शूटिंग जो है वो इंडोर्स होती थी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, हाउ डिड द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो लुक लाइक। जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था वो कैसा दिखता था? तो आंसर हम कर सकते हैं, द मेकअप रूम वॉज अपस्टेयर्स, जो मेकअप रूम था वो सीढ़ियों से ऊपर जाके था, ऑफ द बिल्डिंग के अंदर। इट लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सलून, ये बड़ा भद्दा सा था, ऐसा लगता था जैसे बाल काटने वाला सलून का कोई दुकान हो। इट हैड अ हाफ डजन लार्ज मिरर्स, इसके अंदर आधा दर्जन बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे चारों तरफ। देयर वर डैजलिंग लाइट्स, और उस समय येलो लाइट देने वाले बल्ब लगे होते थे तो वो बल्ब जलते थे। Those who were subject to makeup, और जिनका मेकअप होना होता था had to face immense heat, तो उन्हें बड़ा गर्मी का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन द मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, तो बड़ी ही राष्ट्रीय एकता दिखाई देती थी, तो ये क्यों बोला जा रहा है? तो आंसर है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग हिस्सों से जो लोग थे वर देयर, वो वहाँ थे। पीपल वर फ्रॉम बंगाल, लोग बंगाल से थे, महाराष्ट्र से थे, आंध्रा से थे,
कर्नाटका एक्सेट्रा जगह से थे। तो इट प्रेजेंटेड अ गुड सीन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। तो ये जो सीन था ये भारत की एकता को दिखाता था। आगे कह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्ट्रिक्ट हायरार्की। एक तरह की बहुत ज़्यादा हायरार्की थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल फिक्स थी ऊपर से लेके नीचे। एंड हाउ इट वॉज़ मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, और मेकअप डिपार्टमेंट में ये किस तरह से मेंटेन था इस तरह की हायरार्की। तो आंसर है कि देयर वॉज अ हायरार्की इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट में एक तरह की हायरार्की थी। द चीफ मेकअप मैन, जो मुख्य मेकअप मैन था, मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली। वो जो एक्टर एंड एक्ट्रेस थे, हीरो हीरोइन थे, उनको अगली बनाता था, मतलब पैनकेक्स पेंट करता था उनके चेहरे पर। द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन, और आगे कह रहे हैं हिज असिस्टेंट, उसका जो असिस्टेंट था, मेड अगली द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन। वो सेकेंड जो हीरो होते थे, सपोर्टिंग जो हीरो हीरोइन होते थे, उनको अगली बनाता था। एंड द जूनियर असिस्टेंट जो होता था, डिड इट फॉर द मेन कॉमेडियन, वो कॉमेडियन को अगली बनाता था। एंड द ऑफिस बॉय पेंटेड द क्राउड प्लेयर्स, और जो ऑफिस बॉय था वो जो क्राउड का रोल करते थे उनको पेंट किया करता था पैनकेक्स से। फिर आगे कह रहे हैं कि पैनकेक्स जो है वो एक तरह का मेकअप मटेरियल है। अभी अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हु वॉज द ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय कौन था, वाई वॉज ही फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेट क्यों रहता था, दुखी क्यों रहता था। तो आंसर है द ऑफिस बॉय पेंटेड मेकअप। ऑफिस बॉय मेकअप पेंट करता था ऑन द फेसेस ऑफ दोज, उन लोगों के चेहरे पर, हु प्लेड क्राउड, जो क्राउड का रोल प्ले करते थे। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड था बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी स्टार एक्टर, क्योंकि वो भी स्टार एक्टर बनना चाहता था, स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, डायरेक्टर बनना चाहता था और लिरिक्स राइटर बनना चाहता था। बट ही कुडंट फुलफिल हिज ड्रीम्स, लेकिन वो अपनी ड्रीम पूरे नहीं कर पाया। फिर आगे कह रहे हैं वॉट वॉज पैनकेक, ये पैनकेक क्या था, एंड वॉट वॉज इट यूज फॉर, और ये किस लिए यूज़ किया जाता था। तो आंसर है पैनकेक्स वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। ये जो पैनकेक है वो एक तरह का मेकअप मटेरियल था जो चेहरों पर इस्तेमाल होता था आर्टिस्ट के। द राइटर सेज दैट, लेखक बोलता है कि इट कुड टर्न अ डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हाइडियस मॉन्स्टर, और ये अच्छे खासे दिखने वाले आदमी को भी बड़ा ही भयानक सा बना देता था। इट वॉज यूज्ड बाय एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उस समय सारी दुनिया के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के द्वारा इस ब्रांड का इस्तेमाल किया जाता था, पैनकेक का इस्तेमाल किया जाता था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉट यूज टू बी द जॉब ऑफ द नरेटर एट द जेमिनी स्टूडियो। ये जो नरेटर है, अशोका मित्रन है जो ये चैप्टर को लिख रहे हैं, वो जर्मिनी स्टूडियो में मतलब क्या करते थे, क्या काम था उनका। तो आंसर है द नरेटर अशोका मित्रन, जो नरेटर है अशोका मित्रन, यूज्ड टू टेक क्लिपिंग्स, वो क्लिपिंग निकालते थे, कटिंग निकालते थे फ्रॉम द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से, ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। ही यूज्ड टू स्टोर दैम, वो उन्हें स्टोर किया करते थे इन फाइल्स, फाइल्स के अंदर। बट पीपल यूज टू थिंक दैट ही वॉज डूइंग नथिंग, लेकिन लोगों को लगता था कि वो कुछ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द ऑफिस बॉय अनहैप्पी विद सुबू। ये जो ऑफिस बॉय था जो क्राउड का मेकअप करता था, ये सुबू से क्यों चिढ़ता था, मतलब क्यों जेलस करता था। तो आंसर है द ऑफिस बॉय वॉज इन हिज अर्ली फोर्टीज़, नाम तो उसका ऑफिस बॉय था लेकिन बेचारा अपने अर्ली फोर्टीज़ में था, मतलब 42-43 साल का था। एंड ही वॉन्टेड टू बिकम स्टार एक्टर, वो भी स्टार एक्टर बनना चाहता था, स्क्रीन राइटर डायरेक्टर बनना चाहता था। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, तो वो फ्रस्ट्रेटेड था। और दूसरी तरफ सुबू जो था वो नंबर टू,
वो नंबर टू था एट द जेमिनी स्टूडियो. जेमिनी स्टूडियो में ही वॉज क्लोज़ टू द बॉस. वो बॉस जो थे SS वासन, उनके भी काफ़ी क्लोज था. सो द ऑफिस बॉय वॉज वेरी अनहैप्पी विद हिम. इसलिए वो बहुत ज़्यादा उससे दुखी था और उससे चिढ़ा करता था. फिर आगे क्वेश्चन है कि हाउ डिड सुबू अटेन नंबर टू पोजिशन एट द जेमिनी स्टूडियो. तो जेमिनी स्टूडियोज़ में सुबू जो था उसने नंबर टू की पोजिशन कैसे हासिल कर ली थी. तो आंसर है सुबू हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल. सुबू जो था वो हमेशा खुश दिखाई देता था एट ऑल टाइम, सारे टाइम. ही वॉज़ वेरी क्लोज टू हिज बॉस. बॉस का भी बड़ा चमचा था उनके, बिल्कुल क्लोज रहता था. ही वॉज अ टेलर. कहने को तो वो टेलर था, कपड़े वपड़े बनाने का काम था उसका एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए. बट वेरी टैलेंटेड एक्टर ऑल्सो, लेकिन बहुत टैलेंटेड एक्टर भी था. ही वॉज पोएट ऑल्सो, पोएट भी था. इफ़ द प्रोड्यूसर हैड एनी प्रॉब्लम, यदि प्रोड्यूसर को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, सुबू वुड कम आउट. तो सुबू आता था विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स, नाना प्रकार के और ज़्यादा ऑप्शन लेकर, 14 प्रकार के ऑप्शन लेकर वो आ जाता था. तो इसलिए वो इस तरह की जगह पहुंच गया था, नंबर टू हो गया था जेमिनी स्टूडियो के अंदर. आगे कह रहे हैं कि व्हाट वर द ऑथर प्री कंसीव्ड आइडियाज़ अबाउट अ कम्युनिस्ट. तो जो लेखक है उसके मतलब कम्युनिस्ट के बारे में किस तरह से पहले से विचार सेट थे, क्या नेगेटिव बात वो रखता था कम्युनिस्ट के बारे में. कम्युनिस्ट एक तरह की विचारधारा है जो. और आगे अगला इस तरह से भी पूछ सकते हैं, व्हाई वर ऑल द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियोज एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म. सारे जो लोग थे जेमिनी स्टूडियोज में वो क्यों नफरत करते थे कम्युनिज्म से, कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा से. तो आंसर है दे थॉट, उनको लगता था दैट अ कम्युनिस्ट व्यक्ति जो है, इस विचारधारा का जो व्यक्ति है, वॉज अ गॉडलेस मैन. वो ईश्वर को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता. हु हैड नो लव फॉर हिज सन और वाइफ, जो अपने बेटे से, अपनी वाइफ से भी प्यार नहीं करता, फैमिली में बिलीव नहीं करता. ही हैड नो रिग्रेट अबाउट किलिंग हिज पेरेंट्स. और ऐसे व्यक्ति को कोई दुख नहीं होगा अगर वो अपने माता पिता को भी मार दे, उन्हें मारने में भी उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी. ही स्प्रेड्स वायलेंस अमंग द इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल. और ऐसा व्यक्ति जो है वो हिंसा फैलाता है बेकसूर और अज्ञानी लोगों में. तो इस तरह का इमेज था उन सबके दिमाग में, जेमिनी स्टूडियो में जो लोग थे, एक कम्युनिस्ट व्यक्ति के बारे में, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति के बारे में, विचारधारा के व्यक्ति के बारे में. और वो जो थे वो गांधीवादी सोच से बड़े प्रभावित थे और गांधी जी को बड़ा मानते थे, लेकिन कम्युनिस्ट सोच के वो खिलाफ थे. आगे कहा जा रहा है व्हाट वॉज मोरल रीआर्मामेंट आर्मी. ये मोरल रीआर्मामेंट आर्मी क्या थी, व्हाट वॉज इट्स मैसेज, और इसका मैसेज क्या था. तो बच्चों, ये जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी है ये आती है स्टूडियो में और ये अपने प्ले वगैरह दिखाते हैं और शांति का पैगाम देते हैं. एक्चुअली वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद का टाइम था. तो काफ़ी हलचल थी दुनिया में और एक तकलीफ़ से दुनिया गुजर रही थी, काफ़ी लोग मारे गए थे. तो वो जो 200 लोगों की टोली थी वो चाहती थी कि शांति हो, अमन हो और लोग ईश्वर में विश्वास करें और रिलीजन में विश्वास करें. तो इस तरह की वो टोली आई. तो आंसर हमें लिखना है इसका कि क्या था ये. तो आंसर रहेगा फ्रैंक बचमन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी. फ्रैंक बचमन का जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, 200 लोगों का था ये, विजिटेड जर्मन जेमिनी स्टूडियोज़. तो वो जेमिनी स्टूडियोज़ में आए इन 1952 में. दे वर फ्रॉम 20 नेशनलिटीज़. वो 20 नेशंस के लोग थे. दे प्रेजेंटेड टू प्लेज. उन्होंने दो नाटक प्ले किए वहाँ पर. जोथम वैली एक नाटक था एंड दूसरा था द फॉरगॉटन
फैक्टर, तो ये दो नाटक उन्होंने प्ले किए वहाँ पर, एंड दे गेव मैसेज, और उन्होंने मैसेज दिया टू काउंटर द इंटरनेशनल कमीशन, इंटरनेशनल कमीशन को काउंटर करने के लिए मैसेज दिया। वो शांति चाहते थे और चाहते थे कि लोग रिलीजन में विश्वास करें, ईश्वर में विश्वास करें, और सब जगह अमन और शांति कायम हो। काफ़ी प्रभाव बनाया इन नाटकों ने जर्मनी स्टूडियो के अंदर, ख़ास तौर से उनका जो अव्वल दर्जे का तरीका था चीज़ों को दिखाने का, प्लेस को दिखाने का, तो उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए। आगे कह रहे हैं कि हु वॉज़ द नेक्स्ट विजिटर एट जर्मनी स्टूडियोज़, जर्मनी स्टूडियो में अगला व्यक्ति कौन आया, तो आंसर है द इंग्लिश पोएट एडिटर वॉज अ टॉल मैन, जो एक इंग्लिश पोएट था, अंग्रेज पोएट एंड एडिटर भी था वो, लंबा सा व्यक्ति था वो। ही वॉज गिवेन अ बिग वेलकम, और उसका बड़ा स्वागत हुआ बाई बॉस, मतलब SS वासन के द्वारा, एट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में ही स्पोक, उसने भाषण भी दिया, बट पीपल कुडंट अंडरस्टैंड, लेकिन लोग उसके भाषण को ज़्यादा समझ नहीं पाए ड्यू टू हिज डिफरेंट एक्सेंट, उसके अलग एक्सेंट के कारण। एंड ही वॉज स्टीफन स्पेंडर, और उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर, ये अंग्रेजी के बहुत बड़े राइटर कवि रहे हैं, स्टीफन स्पेंडर, तो वो आए थे जर्मनी स्टूडियोज़ में। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लो प्राइज्ड बुक, वो कम कीमत की किताब कौन सी थी, द गॉड दैट फेल्ड नाम की, अबाउट किस बारे में थी, तो आंसर है कि अशोका मित्रन जो थे पिक्ड अप वन कॉपी, उन्होंने एक कॉपी उठाई ऑफ द गॉड दैट फेल्ड, ये जो किताब थी इसकी एक कॉपी उठाई फ्रॉम द फुटपाथ ऑफ चेन्नई माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, ये चेन्नई का एड्रेस है, वहाँ का एक रोड है, वहाँ से फुटपाथ से उन्होंने एक किताब उठाई द गॉड दैट फेल्ड, इट कंटेंड 6 essays, इस किताब के अंदर 6 निबंध थे, रिटन बाय 6 eminent men, जिन्हें 6 प्रसिद्ध लोगों ने लिखा था, इंक्लूडिंग स्टीफन स्पेंडर, और एक निबंध जो है वो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा इस बुक में लिखा गया था। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस थे पेन एंड पोएट एंड पैनकेक्स चैप्टर के, एंड डेफिनेटली आई होप दे ऑल विल हेल्प यू टू रिस्पॉन्ड इन द एग्ज़ाम। थैंक यू।